फोर ए एल डी हाइट के टोन का एक्सरसाइज फोर एवन देखें क्या क्या रिएक्शन के के दिया।, दिया हुआ इसमें कौन खा सा हो गया एल डी हाइट हो गया था। पहला था एलडॉल हो गया एलडॉल के बाद क्या हो गया उसको हीट कर दिया गया अरे क्या पूछ रहे हो तुम लोग कुछ रॉन्ग पढ़ रहा हूँ क्या मैं इतना तो डायरेक्ट नोट्स का है एसिटल डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट पूछा हुआ है। डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन किया तो क्या प्रोडक्ट होगा आई थिंक ये तो डायरेक्ट बताया ना वेट 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 क्रिसिन और एक क्वेश्चन अवश्य बन डायरेक्ट नोट्स है अच्छा हो सकता है आंसर आंसर देखो उसमें पूछा है कि इसका एल्डोल प्रोडक्ट क्या होगा सी एस थ्री सी ओ एच को ओ एच माइनस डालेंगे तो क्या एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा तो ये बनता है सी एस टू माइनस सी ओ एच है ना उसको हिट कर दोगे तो यहाँ पे जाएगा तो इधर बन जाएगा सी एस थ्री सी एच ओ एच और सी एस टू के साथ सी ओ एच ऐसे है फिर तो हिट कर दोगे तो एस टू वो बाहर आएगा ये क्या बन जाएगा सी एस थ्री सी एच डबल वन सी एच सी ओ एच अब सोचो ये डायरेक्ट नोट्स में कि नहीं है तो मैंने पहला क्वेश्चन बताया तो फिर ये क्यों नहीं हुआ एल्डोल क्लियर हुआ अभी यस ना बी okay, पे जाओ बी का तुमने बोला है वन बी का वन क्या गया और हाइड्रो ओजनलिस प्रोडक्ट क्या हो गया ना पूछा कोई निसिन तुम सही पूछ रहे हो ना फोरबी का वन ही पूछा है ना तुमने इसका एजनलिस प्रोडक्ट क्या होगा टू का ओरिस प्रोडक्ट क्या होगा यही पूछ रहे हो ना देखो कहीं ना कहीं रिविजन पुअर पर डायरेक्शन प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करना होगा तुम्हें तो आई थिंक सबसे मैं पूछ लेता हूँ देखो सबका आंसर क्या आता है का वन है उसने पूछा कि इसका ओरिस करेंगे तो क्या बनेगा क्या प्रोडक्ट होगा ये कैसे बताओ करेक्ट है और कितने लोगों को मालूम है बताओ रिशन को डाउट है तो हो सकता है कई लोगों को डाउट हो ठीक है मुबिन का भी करेक्ट है दो का करेक्ट है और बताओ और किसको आता है ओके okay. इसको जस्ट रिश्ते ये सब को रिवाइज कर लो मैंने बताया था कि एल्किन का ओजोमलिसिस पूछे ना तो कुछ नहीं करना इसको बस ऑक्सीन ऑक्सीन लगा देना हो जाएगा पड़े सी एस थ्री एच लेर इस एल्किन में रिवाइज करोगे बीच से कट करके बस ऑक्सीजन डालना और कुछ नहीं करना हाँ क्लियर हुआ बताओ क्लियर हुआ था नेक्स्ट बताओ सेवन ट्वेल्व इतना बेसिक क्वेश्चन कैसे के पूछ रहे हो तुम्हें ये सब आना चाहिए क्वेश्चन देखो सिवेन देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड डीयू कितना है डिग्री ऑफ सी प्लस वन सी प्लस वन कितना फॉर्मूला याद होगा सिक्स बाई सिक्स माइनस फोर टू आया ना तो टू डीयू है या तो डो डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग के साथ डबल बॉन्ड होगा ऐसा होगा तो डी यू टू होता है तो कई बार इसी ऑप्शन से तुम बता सकते हो बट सब में डी यू टू है तो वो तो भूल जाओ

हाइड्रोलिसिस करने पे एसिड बन जा रहा है समथिंग और वहां पे जो लास्ट में जाकर सी ओ चाह रहा है एनएस डालने पे अमाइड आ जा रहा है है ना और सीएस करते हो समझो और एसिडिक एसिड आसेड डालने पे एनहाइड्राइड बन जा रहा है और ये तो ये रिएक्शन ही तुम्हारा एसिडिक एसिड आसेड का है उसके प्रिपरेशन में है एसिडिक एसिड आसेड के साथ कैसे आया जिससे ओके? करो okay? एसिड, अमाइड और एनहाइड्राइड का मैकेनिज्म है फॉर्म करने का तो उधर ही जाएगा वो कौन सा हो गया वन सेवन के बाद तुमने पूछा है हाँ अनुराग अच्छा अनुराग का डाउट था वाइट ब्लैक मार्कर और डाउट्स में जाकर देखें कौन सा फोरवी का रुक जाओन वाला डाउट हो जाए कौन कौन सा वन सेवन ट्वेल्व और तुम्हारे डाउट कौन से थे एट एलेवन थर्टीन ट्वेल्व उसका डाउट इलेवन थर्टी तुम्हारा था इलेवन टर्टीन हो गया सेवन एट इलेवन टर्टीन सेवन से थर्टीन तक नाइन छोड़ के यही है ना हाँ, तो उसमें सेवन छोड़ दो वो ऐसे डेरिवेटिव का रिएक्शन है एट से स्टार्ट करते हैं एट से थर्टीन तक एट पे जाओ उसने बताया कि कीटोन हो गया कीटोन को क्या कर दिया गया है एक ओएच OH लगा दिया यही है ना और एल्डिहाइड का क्या बना दिया उसने अल्कोहल बना दिया मतलब वहां पर आर एम जी एक्स टाइप कुछ रिएक्ट कर दिया होगा सी एस थ्री एम जी बी आर टाइप तो सी एस थ्री के साथ सी एस थ्री आ गया होगा वो बट दो सी एस थ्री चाहिए था वो देखना पड़ेगा फिर हाँ मतलब तो दो सी एस थ्री तो बन जाएगा ना नहीं तो किसके थ्रू ये कन्वर्सन होगा ये बताना था हम लोग को एसिड कर देगा एसिड का क्वेश्चन नंबर अच्छा एट करना था ना फॉर वीक एट देखो

तीन एल डॉल और वन मीथेनिज़ारो, अल्फा डोज़न ऑफ इथेनॉल और मीथेनॉल, हम्म, आर इंवॉल्व्ड इन द रिएक्शन द सिंथेसिस वाइ फोर एल ऑल कंडेशन बिटवीन मीथेनॉल और इथेनॉल, सी के साथ सीएस टू एच फोर है अच्छा अच्छा, मीथेनॉल इथेनॉल की बात कर रहा है तब सोच सकते हो सी के साथ सी ऐसा चार है है ना तो ये किसके जा, आ जाएगा सी एच टू एच है यहाँ पे और ये भी सी तो फॉर्मल डिहाइट का मैंने बताया था तो फॉर्मल डिहाइट के साथ यदि तुम ये ले लोगे तो ये इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव है कि सारे हाइड्रोजन आके इस पर रिएक्ट कर जाएंगे एक एक करके तीनों का रिएक्शन हो गया था याद करो में से था ना तो फॉर्मल सब रिएक्ट कर तो तीन तो तुम्हारा इधर चला गया तो तीनों से क्या हो गया सी एस टू एच सी के साथ सी एच टू एच यू हो गया सी एच टू एच अभी हो गया। तीन तो तुम्हारा आ गया बट एक इसको भी सी एच टू एच करना होगा तो इसको तो रिडक्शन करना होगा ना इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अब क्या होगा ये अब यहां से तक तो एन जारो ही जाएगा नो अल्फा रिएक्शन नो अल्फा हाइड्रोजन ये प्रोडक्ट बताया था अब इससे आगे वो पूछ रहा है इस इसके एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एक क्या बन जाएगा एच ओ सी एच थ्राइस सी के साथ सी ओ एच यही है ना एक हो गया एच ओ सी एच टू राइस सी के साथ सी एच टू ओ एच ये बन गया ना हम लोग का हाँ तो ये थोड़ा अच्छा कैसे मैं समझ लो आना चाहिए मतलब क्या, उसका कोई मतलब नहीं है जान के उसको नाम दिया वो सबका कोई मतलब नहीं ये कैसा आया होगा तुम्हें बताना हाँ अनुराग थोड़ा अन्यूट करता हूँ बताओ या तुम सबको अनुराग अनुराग पूछो

हो गया और कौन सा था लिस्ट में देखें जिसका डाउट हो जाए वो जा सकता है जिसका डाउट हो रुके ये एट है ना सेवन एट की बात हो गई अब ट्वेल्व उसका रेशन का डाउट है तुम्हारा इलेवन थर्टीन है मतलब इलेवन थर्टीन ट्वेल्व है ओके देखो एलडी हाइट के साथ कोई भी बेस दे सोल्ट तो यह समझना किलडोल है या क्या डिजारो है अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एलडोल नहीं है तो क्या निजारो इसमें क्या करोगे इलेवन में अल्फा हाइड्रोजन है क्या

तो ये जो क्वेश्चन नंबर एट था ना एक था एसिटल लिहाई और एक है पीएच के साथ सीओ सी थ्री तो ये मोर रिएक्टिव होता है और ये लेस रिएक्टिव होता है तो रिएक्टिव कौन सा होगा तो रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर्मल डिहाइड एसिटल डिहाइड बेंजल डिहाइड ऐसा है था ना इसी पे अटैक होगा इस पार्ट पे तो उसका कंजुगेटिव बेस बनेगा एलेवन है ये ओके इलेवन हो गया तो पी एच सी ओ सी एच टू माइनस आएगा और दूसरे वाले पे इस पर अटैक कर दो क्या होगा ये जैसे अटैक करेगा ऑल हो गए ये पी एच सी ओ सी एच टू के साथ सी एच ओ एच सी एच थ्री और हिट क्या रहेगा तो अल्फाबीटा आंसर बना देना देखो क्या किया है? ना? ओके उसके बाद इलेवन के बाद तुम्हारा गंत्याम कौन सा है ट्वेल्व रिश्त का थर्टीन तुम्हारा ट्वेल्व थर्टीन ओके ट्वेल्व तो नोट्स में

ये जब मालूम चल गया तो हिट करने पे क्या होगा अल्फा बिटान किस में आएगा वो? मतलब फोर्थ हो फोर्थ में ही वहां पे जाएगा ना इसको तो सॉल्व ही नहीं करना है से निकल जाती है कैसे हुआ फर्स्ट फर्स, सेकंड क्यों नहीं किया फोर रिंग है तो इंट्रा इंट्रामोलिकुलर तभी होता है जब फाइव और सिक्स बने बनेकोर्स सिक्स मेंबर्ड ऑप्शन में तो वही होगा तो थर्ड और फोर्थ दोनों में सिक्स मेंबर्ड बना और ए प्रोडक्ट सेम ही है तो ए प्रोडक्ट सेम होगा तो ये तो मालूम चल गया ही है तो बी क्या करना होता है हिट करने पर अल्फा बीट आंसर एसिड मतलब कंजुगेशन आना चाहिए तो थर्ड के भी में कंजुगेशन नहीं है फोर्थ में ही है ना तो उसका आंसर फोर जाएगा ट्वेल्व का मैकेनिज्म एक बार नोट्स पे चेक कर लो सी एस, जो सी एस सीओ के साथ है ना उसका अल्फाइड उनको उठाकर दूसरे पर अटैक कर दो यह सी एस थ्री सी ओ के साथ सी के साथ एम ई एम ई सी यही है ना इसको अल्फाडोन का हटाओ सी एस माइनस इसको हटा दो सिक्स मेंबर रिंग बना दो जो मैंने बताया था सिक्स मेंबर रिंग बना के यहां पे OH हो गया और इसके इस पोजीशन पे क्या आ जाए इसको वन मान दो टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसा है ना ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ना तो सिक्स तो पे ये सी एस टू हो गया फाइव पे क्या होगा सी डबल बॉन्ड हो जाएगा और फोर पे क्या होगा ये एम ई एम हो जाएगा हम्म ऐसे ही होगा ना फिर हीट कर देंगे तो क्या होगा ओ एच के आंसर स्टेशन की ओर जाएगा तो ये रेगुलर एजुकेशन लिखना चाहिए सीओ और उसके बाद बाजू में ये दोनों एमबीए में hmm. क्लियर हो गया अभी ओके लास्ट क्वेश्चन थर्टी है ना NaOCl के साथ क्या होगा PSCO, Cl2 और NaOH मान लो उसे Cl2 टू प्लस एनएओएच क्या बनता है NaOCl ना है, तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म रिएक्शन तो पीएच के साथ वो COOH आ जाएगा फिर एसओ टू दोगे तो सी आ जाएगा फिर एनेलिन का रिएक्शन होने ही मालूम है मतलब ये ऐसे डेरिवेटिव क्या बट कर सकते हो ऐसा कि एन ए सी एल सी एल टू प्लस एन एच एन ए सी एल ही तो देता है ये कौन सा रिएक्शन हेलो फॉर्म ना से क्या हो पी एच ये ब्रेक हो जाएगा ये बन जाता था सी ओ एच और वो बन जाता सी एच सी एल थ्री क्लोरो और इसका रिएक्शन किसी और के साथ है पहला रिएक्शन एन ए सी एल वही नहीं समझ में आएगा हेलो फॉर्म रिएक्शन है एसओ सी एल टू और उसके बाद क्या रिएक्शन एसिड है तो तो फिर भी मालूम है सर तुम लोग पी एच सी ओ एच और एनिलीन क्या होगा एन है एन क्या होगा अटैक करेगा तो एक ग्रुप बाहर आ जाता है बॉन्ड पहले ऊपर शिफ्ट करेगा नीचे आएगा बाहर आ जाएगा तो पी एच सी ओ एन एच पी एच ये वाला रिएक्शन अवॉइड कर सकते हो बट ये मालूम होना चाहिए एल्डिहाइड कीटोन का हेलोफॉर्म रिएक्शन ऊपर हुआ देख लो अच्छा एक्सरसाइज पाइप में भी डाउट है देखो

ये बताओ क्या बनेगा बी आर टू प्लस एन एच बी आर को वाटर में डालते हो बी आर टू बन जाएगा और NaOH एच बाहर तो ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन अच्छा ये नहीं मालूम आगे तक का रिएक्शन हो गया एसिड डेरिवेटिव का रिएक्शन पहले करोगे तो एसिड बन जाएगा और एसिड बनने के साथ एन थ्री से हीट करोगे तो अमाइड आएगा अमाइड के साथ हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है वो बी आर टू और को एच तो सी हो जाता है तो एनिलीन आ जाएगा और एनिलीन को बी आर टू दोगे तीन वर्ण वाले तो तीनों पोजिशन पे बी आर बी आर बी आर आ जाएगा तीन पोजिशन पे बी आर होगा ये नहीं पढ़ना ये डेरिवेटिव है इसलिए नहीं हुआ सोच लो क्लियर हुआ

हम्म ये सब क्वेश्चन सोचना पड़ता है ये सब्जेक्टिव था इसका दो दो मार्क्स का सिक्स मार्क्स तो इधर ही थे और था एल्कोहल एच कुछ इमेजिन करो हम्म कोई थ्री डिग्री एल्कोहल तो होगा ठीक है अपॉन एसिड कैटाइज डिहाइड्रेशन फॉर्म्स प्रोडक्ट आई कुछ तो आई फॉर्म हो गया ठीक है डिहाइड्रेशन कर दोगे तो आई बन गया

कंपाउंड मतलब यहां पे जो रिएक्शन होने वाला है इसका मतलब कैनी जारो रिएक्शन होने वाला यदि कैनी जारो रिएक्शन होगा तभी दो प्रोडक्ट बन गया यदि एल्डोल होता के साथ हैल्कीन का ओजोनोलिसिस से बन रहा है तुम्हारा और आ गया और एल्कीन कोजोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा एल्डिहाइड कीटोन होंगे और गया डालने से क्या बन गया एक बेंजाइल अल्कोहल और कंपाउंड तो कम्पाउंड से या तो एल्डोल है या कैनी जारो ये तो कहने जा रहा ही होगा ना तभी दो प्रोडक्ट बना एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या हो गया हाँ बेंजाइल अल्कोहल तो उसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा बेंजोइक एसिड बेंजीन के साथ सी एस टू एच ऐसा होगा बेंजोइक एसिड हो जाएगा तो एल इज बेंजोइक एसिड यही है ना वेयर इज के ऑन रिएक्शन विद गिव के जो हो गया के कहां पे आया था हाँ जो निशिश से ही आया था एक दूसरा पार्ट जो आ गया था के था के का जब हम लोग क्या कर देंगे अच्छा एम देता और एम बता दिया हाँ के का क्यों से रिएक्शन करोगे तो क्यों लेम आता मतलब के में एल्डॉल कंडेंसेशन हो गया तो हो गया सब तो हो गया डी हो गया के से क्या बन गया एक ही प्रोडक्ट आ रहा मतलब वो एल्डोल होगा तो किसके किसका एल्डॉल प्रोडक्ट यह होगा एम बता सकते हो क्या किसका एलडोल प्रोडक्ट ऐसा बना होगा पी थ्री सी डबल वन वो है ना जिसको तो बीटा हाइड्रोक्सी किटोन बनाओ अल्फा बिटा मतलब पीएच के पास ओएच करो और फिर दोनों का अलग कर दो तो पीएच के साथ सी सी एस थ्री कहाँ चला गया था ओके okay. तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था बट आराम से सोच लोगे किसका एल्डोल प्रोडक्ट ये बनेगा पी के साथ सी एच सी एस थ्री डबल बॉन्ड कुछ था ना तो भूल गया इतना देर में रुक जाओ और क्या था पीएच सी एस थ्री डबल बॉन्ड के साथ सी एच सी ओ पी एच डबल बॉन्ड के साथ CH फिर COPh पी एच डबल बॉन्ड के साथ सी एच फिर सीओ पी एच यही है ना किससे आया होगा ये किसके एल्डोल होगा तो यहाँ पे जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है ये कौन सा पोजिशन अल्फा ये बीटा बीटा पे हाइड्रोक्सी होगा ना यहाँ पे ओ एच रहा होगा और ये क्या बना होगा सी एच टू सीओ पी एच तो ये किससे आया होगा सोचो यही कंजुगेट बेस होगा ना जो इस पे अटैक किया होगा और यहाँ पे एल्डिहाइड होगा मतलब कि ये जो फॉर्म हो रहा है इसको देखते हुए मतलब बैक ट्रैक करना आना चाहिए तुम्हें सी ओ सी एस थ्री इसको अलग करो जो एल्डोल बन गया और जो ये है इसको अलग करो मतलब ये होगा सी एस टू माइनस सीओ पी एच इसी से आया है ना तो फॉर्म हो गया ये तुम्हारा ये हो गया पी एच सी सी एस थ्री और दूसरा बन गया था बेंजाइल अल्कोहल बेंजाइल अल्कोहल बन गया है मतलब एक बेंजोइक एसिड बनाया था ये दो प्रोडक्ट आ गए थे तो बेंजाइल अल्कोहल कहा से आया था हाँ ये किस से आएगा अल्कोहल प्लस बेनजोई आएगा है ना एक कार्बन का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन टू प्रोडक्ट आ गया मतलब कैनिजारो हुआ होगा किसके कैनिजारो से ये होंगे पीएच सीओ एच पीएच के साथ सीओ एच इसी से दो आएंगे ना एक पार्टी एक पार्टी जब दोनों को तुम ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा पी सी सी एच थ्री किसका ओरिजिनि क्या होगा इसी का क्या होगा ना सी एच पी एच इसका जब वो जो क्या होगा तो ये और ये बने होंगे इतना तक क्लियर हुआ सोचो इतना तक क्लियर हुआ हम्म तो सारे रिकॉर्ड हो गया ना क्या क्या था अब बताओ आंसर्स बताओ सबके हाँ तो बता दो क्या क्या आंसर होगा हाँ तरस एल्कोहल एच अपॉन एसिड कैटालाइज डीहाइड्रेशन जिससे प्रोडक्ट आई एल्किन तक तो आ गया तो कौन से थ्री डिग्री एल्कोहल से आया होगा वो बता सकते हो किसके थ्री डिग्री एल्कोहल से ये बना होगा एंड कंपाउंड एच इज फॉर्म बाय द रिएक्शन अच्छा वो जो एल्कोहल वो किसके रिएक्शन से आ सकता है पहले तो एल्कोहल ढूंढना होगा मेरे को तो एल्कोहल किस एल्कोहल से देख रहा है तुम्हें देखो रहा थ्री डिग्री अल्कोहल उसने हिंट दे दिया था थ्री डिग्री कहाँ पे होगा वो एच किस पोजिशन पे पुजिश इस तो आएगा पी एच सी सी थ्री यहीं पर थ्री डिग्री है ना दूसरे वाले पे नहीं सी के साथ एच पी एच ऐसे है ये किसके रिएक्शन से आया होगा कौन कौन सा दो लोग तो आ जाएगा अल्कोहल सोचो अब किस ऑप्शन से मैच कर रहा है वो तो क्या आंसर होगा आंसर बी होगा ना ये किससे आया होगा पीएच सी ओ, सी एस थ्री है ना और यहां पे क्या लिया होगा तुमने पीएच सी एच टू बी आर यही आर एम जी बना होगा ना आर माइनस वन का अटैक किया होगा यहाँ पे डी किया होगा तो तो जाएगा आंसर क्लियर हो गया बी होगा हाँ क्लियर हो गया और ये हाँ मोबिन तुम लोग गैसेस के क्वेश्चन पूछने वाला था ना तीन बैच का प्रेशर ना कुछ भी नहीं करने दे रहा मुझे थ 12, 12 तो वालों काटल बॉन्डिंग था इतना दिमाग खराब था लगातार लेक्चर पे लेक्चर एक्स्ट्रा लेक्चर एक्स्ट्रा लेक्चर तुम लोग इसमें भी याद होगा कितना लिया था ओनली एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेकर अभी वो वर्क किया फिर डाउट किया कल कल डाउट में भी एक्स्ट्रा लेक्चर दिया ट्वेल्व प्लस वालों का भी ऐसा ही है सुबह रे सुबह तो मेरी हालत बहुत खराब थी मौसम चेंज था मुझे तो लगा कि भाई कोरोना है एक बार लास्ट बार जाकर बाहर घूम के दुनिया देख के आ जाऊं कि कैसा है एक बार और आदमी का दिन ऐसा होता है एक बार राउंड मार लिया जाए <laughs> कि कुछ है, है तो नहीं फिर सोचा छोड़ो कोरोना होगा होगा बैठा जाए घर पे आते पीते सब सही हो जाएगा सही हो भी गया कोरोना कुछ है होता नहीं है वैसे भी अब अब कोरोना कल एक व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया था कि कोरोना इंडिया में अब देखा जाए वाला स्टेज में आ जाएगा आ गया है एक स्टेज क्रॉस कर गया जहाँ लोग लिख रहे हैं देखा जाएगा निकल रहे हैं यूएस में तो स्कूल्स स्टार्ट हो गए हैं जो बच्चों को जाना हो जाएंगे और जिनको नहीं जाना ऑनलाइन स्टार्ट ऑनलाइन लेक्चर चल हैं ऐसा चल रहा है उनका है ना तो उसमें अलग चल रहा है सब ओके okay. ओके okay, तो अभी फिफ्थ बताओ अब तो सब हो गया ना आई कैसे आएगा को अपन एसिड कैटालाइज अब तो तुम्हें अच्छी मालूम है है ना गिफ्ट ऑफ तो प्रोडक्ट आई आई मतलब क्या हो गया डिहाइड्रेशन करने पे तो वही जो बीच में एल्किन बनाया था वही आई था ना अब उसके बाद उससे जे और के वो दोनों भी फाइंड कर लिया उन्होंने सब फाइंड कर लिया तो सारे आंसर आ गए फिर क्लियर और कौन सा है? बताओ अरे तो अब जे के एल भी तो हो गया ना अब तो सब एब जे के एल और सा है क्या क्या है? जे और के और जे से बेंजाइल अल्कोहल एक बेंजाइल अल्कोहल और एल है जे से बेंजाइल अल्कोहल एल है देखो चलो भाई जिसको जाना जे से जो आया था बेंजाइल अल्कोहल और ये आया था एल तो ये हो गया एल और किसका पूछ रहा के के साथ क्या आ गया ओनली एम देता था एम का तो प्रोडक्ट दे दिया था तो K के साथ के आया था तो के कौन सा हो गया था हम लोग का ये, ये, ये हो गया के ये हो गया एल अब और कौन सा चाहिए तुम्हें जे के और एल ना अब ये कौन सा बताया मैंने के और एल बता दिया जे क्या था जे एन के हो जो लिसिस से जे और के आया था जैसे ही आया था ये जे हो गया तो बस नेम देना है सब तो बता दिए ना जे हो गया और इसका दूसरा प्रोडक्ट क्या हो गया जो बना था ये जे के लिए ही थी ना यही पूछा ना हा अनुराग क्लियर हुआ दो, अनुराग का डाउट अनुराग गायब है हाँ अच्छा क्लियर हो गया इससे ठीक है और, और किसी का डाउट है कुछ हाँ वो बीन बताओ कब स्टार्ट होगा ये डाउट है क्वेश्चन डाउट नहीं है अब हम लोग जस्ट ऑन वर्ज है